पाकुड़ एसडीओ हरिवंश पंडित और एसडीपीओ अजीत कुमार विमल के नेतृत्व में रामनवमी पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च सिद्धू कानू मुर्मू पार्क से निकलते हुए अंबेडकर चौक, महात्मा गांधी चौक, खुदीराम बोस हरिण दंगा होते हुए विभिन्न चौक चौराहे पर निकाला गया। साथ ही एसडीपीओ और एसडीओ ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि रामनवमी पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। रामनवमी पूजा के दौरान कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी फैलाने का कोशिश करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखी जाएगी। सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के तहत रामनवमी पूजा मनाएं। में रखते हुए भारतीय प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य है जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना और लोग अपना जो त्यौहार मनाएंगे शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे, लेकिन और सामाजिक तत्वों को एक मैसेज भी देना है कि वो अगर किसी भी तरह का हुल्लड़बाजी करेंगे तो उसको प्रशासन बख्शेगा नहीं। उसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हम लोगों ने 3 कंपनी फोर्स भी मंगाई हुई है, हमारे होमगार्ड के जवान भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा मंगाए हुए हैं और जगह जगह चौक चौराहों पे हम लोगों ने सीसीटीवी भी लगाने का प्रस्ताव दिया है जो कि लग रहा है, आज रात तक लग जाएगा ताकि पूरे शहर में पूरी व्यवस्था को हम लोग एक जगह कंट्रोल रूम में बैठ कर के देख सकेंगे और जो भी असामाजिक तत्व तो अगर किसी भी तरह का कोई मिसबिहेव करते हैं या कोई उच्छृंखलता करते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने एक बुलेट, कलरफुल बुलेट इस बार हम लोगों को मिला है जिसके अगर हम लोग उसका फायर करने पे और वो पहचान हो जाएगा जिनके जिनके भी बॉडी पे लगेगा या कपड़ों पे लगेगा वो दाग रह जाता है, तो उस तरह का भी हम लोगों ने इस बार मंगवाया है ताकि और सामाजिक तत्वों की पहचान कर सकें और उस पर हम लोग कार्रवाई कर पाएँ। पाकुड़ में रामनवमी को लेकर के 65 स्थानों में लोकेशंस में हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की है और इसके साथ ही साथ हम लोग आप लोग देख ही रहे कि फ्लैग मार्च कर रहे हैं लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, फिर हम लोग वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, ड्रोन कैमरा का इंतजाम किया है और व्हाट्सएप वगैरह पर प्रशासन की नज़र है कि किसी तरह की कोई भी अफवाह नहीं फैले और लोगों से भी अपील होगी कि वो शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएंगे और पूरे कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे। यही सारी चीज़ें हमारे साथ एसडीपीओ बिमल जी और हेडक्वार्टर डीएसपी बैद्यनाथ साहब भी हैं और बाकी जवान हैं, लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।